So children, in this way, we can see that primary sector may disguise unemployment situation create over here. So how the government can improve this situation, and how they can create the employment in the rural areas or in the semi-rural areas. Children, ये question जो है how government can create the employment in the rural areas or how they can improve the condition, employment condition, ये exam 2020 board exams में ये question आया था, ठीक है? तो हम इसको एक बार देख लेते हैं how to create the employment situation. इसी की एक example दिया है लक्ष्मी she is having 2 hectares of land. 2 hectares of land है उसके पास and all of them there are 6 members in her family and all of them work together. Okay, they do the cultivation on this farm and in this way the labor is divided. Okay, they do the cultivation and just because of 6 members the cultivation process or the work is divided. Okay, but Lakshmi is totally depend on rainfall for the irrigation. वो totally जो है वो rainfall पे depend करती है cultivation के लिए, right? और ऐसे ही लक्ष्मी जैसे और भी लोग होंगे जो कि rainfall पे depend करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं एक और correlate करती हूँ. यहाँ पे 6 family members involved थे लक्ष्मी की family में cultivation process में, लेकिन वो अपने full efforts, full potential को नहीं show कर पा रहे थे, ठीक है? Because they were not having some other option, they do not have any other alternate option, alternate jobs. So अगर यहाँ पे 6 members में से मैं अगर 2 लोगों को हटा भी देती तब भी जो लक्ष्मी का जो टोटल प्रोडक्टिविटी होता, टोटल प्रोडक्शन होता, वो अफेक्ट नहीं होता, ठीक है? और ये 2 members ऑफ अ फैमिली को अगर सुखराम जो कि उनके गाँव में ही एक बड़ा लैंडलॉर्ड है, ठीक है, वो इन 2 लोगों को हायर कर लेता है, ठीक है? अगर वो उन 2 लोगों को हायर कर लेता है तो 2 family members जो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड मेम्बर्स थे, दे कैन अर्न समथिंग एक्स्ट्रा इनकम फॉर देयर फैमिली, क्लियर? यहाँ पे अब जब सिर्फ 4 लोग बचे हैं और 4 लोग भी कल्टिवेशन कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्शन पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? इस तरीके से हम ये जो हमारा डिस्गाइज सिचुएशन है वो प्राइमरी सेक्टर में देखने को हमें मिलता है, जो जिसका की एग्जाम्पल आपने दिया, ठीक है? 2 members को मैंने हायर किया है जिससे कि वो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम से उनकी फैमिली की बेटर कंडीशन हो सकती है. इन दिस वे वी कैन सी दिस इज कॉल्ड द डिस्गाइज सिचुएशन, राइट? चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी हाउ द गवर्नमेंट कैन क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज, राइट? सो हियर वी कैन सी जैसे कि लक्ष्मी यहाँ पे रेनफॉल पे डिपेंड करती है फॉर द इरिगेशन फैसिलिटी. इफ द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट द डैम इन हर विलेज, ठीक है, डैम को कंस्ट्रक्ट करने करती है अगर, तो डैम कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है. कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रोडवेज कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं नियर बाय, उसके लिए रोडवेज डैम तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है. इट विल क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज, राइट? एंड इस डैम की कंस्ट्रक्शन से इरीगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होंगी. इरीगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज अगर होती है तो ये सभी पूरे गांव के लिए होंगी, पूरे गांव के लिए होगी, यानी कि जो लक्ष्मी के गांव के लोग हैं दे कैन अर्न समथिंग मोर बिकॉज दे आर गेटिंग इरीगेशन फैसिलिटी. दे कैन क्रॉप दे कैन कल्टिवेट ट्वाइस इन अ ईयर, वो साल में 2 या 3 बार ग्रो कर सकते हैं जिससे कि उनकी इनकम बढ़ सकती है. आप देख सकते हैं कि इरीगेशन फैसिलिटीज से जो विलेज है, जो रूरल एरियाज हैं और सेमी रूरल एरियाज हैं उनको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो देखें कल्टिवेट ट्वाइस इन अ ईयर, इन दिस वे दे विल दे कैन इंक्रीज देयर इनकम ऑफ देयर फैमिली, राइट? इसी तरीके से गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द लोन्स फैसिलिटी दे सकती है गवर्नमेंट,
नो फैसिलिटी अगर देती है गवर्नमेंट को जो रूरल एरियाज है, सेमी रूरल एरियाज है, दे कैन ओपन द स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, दे कैन ओपन देयर स्टोरेजेस, ठीक है, स्टोरेज ओपन कर सकते हैं अगर जहाँ पे कि जो भी वेजिटेबल या जो भी क्रॉप वो ग्रो करते हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब उनके प्राइस इंक्रीज हो और जिससे तो उनको सेल कर सकते हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। लोन के लोन अगर प्रोवाइड करती है तो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करें ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। सब्सिडाइज रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन लोन्स पर कम होना चाहिए। सो चिल्ड्रन यू कैन सी इन दिस वे द जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड इन द रूरल एरियाज बाय द गवर्नमेंट। देन वी कैन टेक अदर सेम एग्जाम्पल आई एम कन्विंग हियर, डैम्स कंस्ट्रक्शन अगर करती है गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट की जाएगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे एंसिलरी वर्क जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए क्रिएट की जा सकते हैं। एंसिलरी जॉब जो होती है वो हो सकती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से नियर बाय जो भी विलेज है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारी अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको वहाँ पर मशीन्स या इंडस्ट्रीज प्रॉपरली वर्क कर सकती हैं, एंसिलरी वर्क मिल सकता है, राइट। सो इन दिस वे गवर्नमेंट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज टू यू नो टू रिमूव द डिसगाइज सिचुएशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Now after in the not only we are talking about the rural areas, government can also create the job opportunities in the urban areas, right? Government can increase the, you can say, the transportation service, road construct कर सकती है, transportation facilities को better बना सकती है, transportation improve होगा तो और actually with connectivity होगी villages की cities और towns के साथ वो better होगी, storage फैसिलिटी दे सकती है, ठीक है, मार्केट इंक्रीज होगा जिससे कि लोगों को जॉब मिल सके या वो अपना खुद का बिजनेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन यानी कि पहले हम इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज नीति आयोग, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज नीति आयोग, हम इसे अभी नीति आयोग के नाम से जानते हैं, राइट। नीति आयोग के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन सेक्टर में हर साल हम ऑलमोस्ट मोर देन एजुकेशन सेक्टर में हम हर साल 20 लाख मोर देन 20 लाख जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। एंड इसके अलावा 35 लाख जॉब्स हम टूरिज्म में क्रिएट कर सकते हैं, ओके। टूरिज्म इस सेक्टर को भी हम यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑल्सो सेड कि जो सेमी अर्बन या हम कह सकते हैं अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे हम आईटी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री इज मूविंग इन यू नो मेट्रो सिटीज बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। आईटी इंडस्ट्री को एनहांस करने के लिए हमें वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो इसे हम अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है आईटी और टेलीकॉम में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बताया है, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कैन ऑल्सो टेक द स्टेप्स टू बूस्ट द रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो है उसको बूस्ट कर सकती है। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुई, कॉटेज इंडस्ट्रीज हुई, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अलावा कॉपरेटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है जॉब अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस करने के लिए, राइट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ।